वो देश जिसके सामने रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट भी टिक नहीं पाया, वो देश जिसके सामने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट भी लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया, भारत वो देश है जिसकी सफलता केवल उसकी अपनी विकास महत्वाकांक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि और देशों के लिए भी बेहद खास है। लेकिन आज भारत एक नई मिसाल कायम करने वाला है। चंद्रयान 3 आज शाम को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर सब योजना के हिसाब से ठीक ठाक चलता रहा तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला और अमेरिका, चीन, सोवियत संघ के बाद चांद की सतह पर लैंड करने वाला चौथा देश बन जाएगा। 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद से धीरे धीरे हर पड़ाव को पार करते हुए चंद्रयान चांद के पास पहुंचता गया। इस यान की लैंडिंग में कुछ ही घंटे अब बचे हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि भारत के पिछले 2 मून मिशन का क्या हुआ और चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा और किन किन बाधाओं को चंद्रयान 3 पार कर चांद की सतह तक पहुंचा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पिछले 2 मून मिशन का क्या हुआ। भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था। इसे 2 साल तक चलना था। यान में भारत, अमेरिका, यूके, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया के 11 वैज्ञानिक उपकरण थे। ये चंद्रमा के रासायनिक खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद की परिक्रमा कर रहा था। मई 2009 में इसे 200 किलोमीटर दूर कक्षा में भेजा। इसके बाद 29 अगस्त 2009 में यान से इसका संपर्क टूट गया था। इसका उद्देश्य भी चंद्रयान 3 की तरह ही चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी जुटाना था। यह स्पेसक्राफ्ट 14 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। इसमें ऑर्बिट लैंडर और रोवर 3 अहम हिस्से थे। यह यान 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया था। लैंडर विक्रम भी 2 सितंबर 2019 को ऑर्बिट से अलग हो गया था। उसके बाद जैसे ही यान 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तभी इसका संपर्क टूट गया था। अब जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा। 14 जुलाई को LVM3 से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। इसके बाद 14 से 31 जुलाई के बीच चंद्रयान पृथ्वी की ऑर्बिट में रहा। 1 से 5 अगस्त के बीच चंद्रयान चांद की तरफ बढ़ता चला गया और 5 अगस्त को सफलतापूर्वक चंद्रयान चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया था। 6 से 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिट घटाकर लैंडर 153/163 किलोमीटर की ऑर्बिट में लाया गया था। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो गया था। 18 से 20 अगस्त के बीच डिब्यूस्टिंग के बाद 25/234 किलोमीटर की ऑर्बिट में लैंडर लाया गया था। उसके बाद यानी आज 23 अगस्त को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने की उम्मीद है। वही आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा कि लैंडर मॉड्यूल और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर हम निर्णय लेंगे कि चंद्रयान 3 को किस वक्त चांद पर उतारना ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर इस बात का फैसला करेंगे कि उसे उस समय उतारना ठीक होगा या नहीं। अगर हमें कोई भी फैक्टर ठीक नहीं लगा तो हम मॉड्यूल को 27 अगस्त को चांद पर उतारेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि किन किन बाधाओं को चंद्रयान 3 पार कर चांद की सतह तक पहुंचा है। चंद्रपथ का सटीक अनुमान लगाते हुए पृथ्वी से 3.844 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचा है। हेलो ऑर्बिट से गुजरते हुए धरती, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बलों का सामना कर चंद्रयान 3 यहां तक पहुंचा है। गहन अंतरिक्ष के साथ धरती के साथ बखूबी संचार कायम किया और निरंतर संचार सफलता की कुंजी तक पहुंचा। चांद की कक्षा में प्रवेश की चुनौती को पार किया और चांद से टकराने या अंतरिक्ष में विलीन होने वाले खतरे को भी चंद्रयान 3 ने पार कर लिया और सफलतापूर्वक यहां तक पहुंच गया है। अब हम आपको बताते हैं कि विक्रम लैंडर की फिलहाल स्थिति क्या है। आज लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। लैंडिंग से पहले शाम को थोड़ी देर पहले विक्रम लैंडर में लगे 4 पैलोट्स काम करना शुरू होंगे। पहले पैलोट का नाम रंबा है। ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेंगे। दूसरा पैलोट चास्टे ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा पैलोट इल्सा ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा।
और आखिरी लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे ये चांद के डायनामिक्स को समझेगा और उसके बाद धीरे धीरे ये चारों पैलोड्स मिलकर चांद की ओर बढ़ेंगे और सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी है। चंद्रयान 3 ने सारे देश को एक कर दिया है। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही है, मस्जिदों में दुआ मांगी जा रही है। सारा देश चंद्रयान 3 को लेकर बेहद उत्साहित है। उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 आज शाम को 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा और इतिहास रच देगा। आप भी कमेंट्स कर शुभकामनाएं दीजिए। नमस्कार।